बच्चों, मैं हूँ तुषार दुबे। पहली स्लाइड में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। लेक्चर नंबर 2 है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेकर आए हैं हम। इसमें 7 पार्ट होते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला है स्क्रोटम, दूसरा है टेस्टिस, तीसरा है एपिडाइडमिस, चौथा है बाक डिफरेंस, पांचवा है इजेक्युलरी डक्ट, छठा है यूरेथ्रा और 7वां एंड लास्ट पेनिस। ये 7 पार्ट में के आज इस लेक्चर में 2 ही पार्ट कंप्लीट हो पाएंगे, स्क्रोटम और टेस्टिस। इसके पीडीएफ नोट और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, द एसेंशियली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्शन। पहला है इसमें सेमिलर वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड है बल्बोथ्रेस्टल कोफस, इसी को ही अपन कहते हैं कोफस ग्लैंड। इतना हम जैसे आज मैंने आपके बोला, पहली हेडिंग है इसमें स्क्रोटम। फर्स्ट पॉइंट, वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल स्क्रोटम, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी। आप मेरे नोट पोस्ट करके या पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ये पेयर में होती है, इसका शेप जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी। इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 तक होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें आपको समझ आएगा। रिपीट कर लो इस पॉइंट को, द टेम्परेचर इनसाइड स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। द बॉल ऑफ स्क्रोटम हैज डार्क टॉर्स मसल एंड स्पर्मेटिड फेसिया। इसकी जो बॉल होती है, स्क्रोटम की बॉल जो होती है, वो डार्क टॉर्स मसल एंड स्पर्मेटिड फेसिया की बनी होती है। डार्क टॉर्स मसल इज कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग विंटर एंड हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जो डार्क टॉर्स मसल होती है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करती है। द केविटी ऑफ स्क्रोटम कम्युनिकेट विथ एब्डोमिनल थ्रू एब्डोमिनल केविटी थ्रू इंजाइनल कैनाल के क्रीमेस्टर मसल ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड स्क्रोटम। जे स्क्रोटम के अंदर होती है, इनसाइड होती है, विच एलिवेट टेस्टिस इन कंडीशन ऑफ लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर में ही मिलती है, ब्रिंगिंग देम क्लोज टू इंजाइनल कैनाल एंड एब्डोमिनल केविटी फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। जो इसकी ब्रिंग ये मिलती है इंजाइनल कैनाल एंड एब्डोमिनल केविटी पे। 7th पॉइंट है इसमें, ईच टेस्टिस इज अटैच टू द स्क्रोटम बॉल थ्रू इलास्टिक फाइबर बैंड कॉल गुबरनाकुलम और मीजोकियम। जो इसमें बैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो इलास्टिक के बने हुए होते हैं, जैसे मैं आपको उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डायग्राम में समझाऊंगा। उसे अपन कहते हैं गुबरनाकुलम और मीजोकियम। आप इसका स्क्रीनशॉट या लेने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं इसका आपको पीडीएफ डाल दूँगा, आगे बढ़ा दूँ। ओके बच्चों, दूसरी एडिंग जो अपने आई है टेस्टिस, ये पेयर में होती है, ये भी पेयर में होती है।
इन पेजेंट इन 5x3 सेंटीमीटर इन स्क्रोटम। टेस्टिस हमेशा प्रेजेंट होती है स्क्रोटम में, 15 सेंटीमीटर की एक टेस्टिस होती है बच्चों, ठीक है। जैसा आपने ऊपर देखा है एक्टोमी का मतलब होता है, आगे आएगी रिमूवल बाय ऑपरेशन और सर्जरी, जो रिमूव करते हैं ऑपरेशन और सर्जरी के उसे हम एक्टोमी, जैसे ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है टेस्टिस में, टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड डिकेंड इनटू स्क्रोटम थ्रू इंजाइनल कैनाल एट द टाइम ऑफ बर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन। जैसे आपको पता है टेस्टिस मेल में होती है और मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसका यही मतलब है, और वो इंजाइनल कैनाल और टाइम ऑफ बर्थ के समय डिकेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। क्रिप्टोकाइडम, क्रिप्टो मीन होता है हिडन और काइडम मीन होता है टेस्टिस, इसी को ही अपन कहते हैं अनडिकेंडेंट टेस्टिस, जो टेस्टिस छुप जाती है उसे हम कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। फेलर ऑफ टेस्टिस टू डिकेंड इनटू स्क्रोटम टिल बर्थ, सर्जरी फॉर ब्रिंगिंग टेस्टिस इनटू स्क्रोटम कॉल्ड ओर्किपेस्की, ये सर्जरी है ओर्किपेस्की सर्जरी है, याद रखना बच्चों, ये नीट में पूछा गया है। फोर्थ पॉइंट जो है इसमें, इफ क्रिप्टोकाइडम रिमेंस अनडायग्नोस्ड टू टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक होती है एब्डोमेन में, द टेस्टिस बिकम नॉन फंक्शनल टू मे डेवलप कैंसर। कैंसर को ही अपन मेलिग्नेंसी भी बोलते हैं इन लेटर एज, सच टेस्टिस आर रिमूव बाय सर्जरी कॉल्ड ओर्किडेक्टोमी। अभी जैसे आपको मैंने बताया एक्टोमी का मतलब रिमूवल बाय ऑपरेशन और सर्जरी, इधर आ गया आपका एक्टोमी वर्ड, और यह होती है जैसे जहाँ पे भी कैंसर हो जाता है, जैसे आपके पेनिस में, फीमेल में, वेजाइना में, तो उस पार्ट को रिमूव करने के लिए सर्जरी होती है, वो कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी होती है, उसे उस सर्जरी को अपन कहते हैं ओर्किडेक्टोमी। फिफ्थ है इस्पर्मेटिड कॉर्ड, ये इस्पर्मेटिड फेशिया की बनी होती है, अटैच होती है टेस्टिस टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल बॉल, ये अटैच होती है टेस्टिस की पोस्टीरियर एब्डोमिनल बॉल से। सिक्स्थ पॉइंट है इस्पर्मेटिड कॉर्ड पासेस थ्रू द इंजाइनल कैनाल टू कंटेन वाइस डिफरेंस नर्व बेसल्स टू लिम्फेटिक। ओके, देखिए आप ये देख रहे हैं, ये कवरिंग ऑफ टेस्टिस का डायग्राम है, इसमें जो आउटर लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइना, और इनर लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका वेस्क्यू लोसा, और इसमें जो आपको पिंक कलर सब्सटेंस बाउंड्री पे दिख रहा है उसे अपन बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये जो आपको लाइन दिख रही है बीच में उसे हम बोलेंगे सेमीफेरस ट्यूबुल। जो आपको ये बाहर निकलता हुआ रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एपिडर्मिस है, पोस्टीरियर एपिडर्मिस
जो आपको बीच में लाइन जो दिख रही है वो आपका मीडियस्टिनम टेस्टिस है, और इन दोनों के जो आपको बीच बीच में लाइन दिख रही होगी ब्लैक या ब्लू रंग की, वो है अपनी जो इनके दो मिलके बनते हैं उसे अपन कहते हैं टेस्टी जिलर वेक्यूल। इसका टेम्परेचर 250 डिग्री तक होता है। और लास्ट पार्ट है अपना वाइस डिफरेंस, इसका मैं सबका पीडीएफ इसमें डाल दूंगा, आप चिंता मत करो। अब अपन पढ़ देंगे हिस्टोलॉजी ऑफ हेमिफेरस ट्यूब्यूल। ये डायग्राम आपको ज़्यादा मेन नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा इसे समझ लो। ये एक ट्यूब्यूल का है डायग्राम, जैसे कि लेडिक खेल जो आपको कॉर्नर में दिख रहे होंगे लेडिक खेल, वो अपने मैं इसको पूरा नहीं समझाऊंगा लेकिन मेन मेन पॉइंट समझा दूंगा। लेडिस खेल LH प्रोड्यूस करते हैं और आगे आप पढ़ोगे इसमें, और वो फॉर्म करते हैं स्पर्म। लेडिस खेल LH प्रोड्यूस करते हैं और वो फॉर्म करते हैं स्पर्म। कॉर्नर में अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं शर्टोली खेल, और लेडिस खेल को अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल खेल भी कहते हैं। ये FSH वो LH के प्रोड्यूस होते हैं और ये फॉर्म करते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं आउटर सरफेस ऑफ हेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कवर बाय वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका प्रोफीरिया। ओके बच्चों, ये तो एकदम सिंपल है, इसको मैं एक्सप्लेन करना नहीं समझता। ये एकदम नीट में अभी पूछा भी नहीं गया है। ईच हेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इंटरनली लाइन बाय टू टाइप ऑफ खेल। पहला खेल है जर्मिनल एपिथीलियम, इसे ही अपन कहते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथीलियम। दिस क्यूबोइडल खेल फॉर्म स्पर्म डेट इज परफॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्यूबोइडल खेल जो हैं वो स्पर्म फॉर्म करते हैं और परफॉर्म करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पूरा टॉपिक है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और ओजेनेसिस, ये दोनों आप अभी ओजेनेसिस आपको नहीं मालूम होगा, कोई कोई बच्चों को मालूम होगा कोई कोई को नहीं। ओजेनेसिस हम अगली वीडियो में या उसके एक दो वीडियो में, अभी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा फिर उसके बाद आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। अपन इसमें आते हैं बी शर्टोली खेल, ये कॉलुमनर खेल प्रेजेंट इन बिटवीन जर्मिनल एपिथीलियम, कैरेक्टर स्ट्रिक्टली फाउंड इन मेमल्स। ये फंक्शन हम इसके शर्टोली खेल के फंक्शन पढ़ेंगे अब। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपमेंट स्पर्म फॉर कॉल्ड नर्स खेल और सस्टेंटिकुलर खेल। शर्टोली खेल प्रोवाइड कराती है स्पर्म को न्यूट्रिशन, और इसलिए हम शर्टोली खेल को ही नर्स खेल और सस्टेंटिकुलर खेल भी कहते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है फेगोसाइटोज डेड एंड डैमेज स्पर्म। ये शर्टोली खेल उनको ईट करता है डेड एंड डैमेज स्पर्म को। थर्ड पॉइंट है फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। फोर्थ पॉइंट है सीक्रेट इनहिबिशन एंड एंटी मुलेरियन हॉर्मोन AMH। एंटी मुलेरियन हॉर्मोन हैं जे आप प्लांट किंगडम में पढ़े हुए। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्म एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP टू कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इनसाइड टेस्टिस एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस।
हिट पॉइंट है FHH, एक टोन खल्टोली खेल टू रिलीज फैक्टर डेट प्रमोट प्रमोट इट पर इट पर मियोजेनेसिस, इट पर मेटो नहीं है ये, इट पर मियोजेनेसिस ये होता है इट पर मेटेड टू इट पर मेटो जुआ का जो पाथ है उसे अपन इट पर मियोजेनेसिस कहते हैं। ये नोट आपको याद रखना है बच्चों। लेडीज खेल और इंटरस्टिशियल खेल प्रेजेंट आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड फॉर्म एंड्रोजन। लेडीज खेल प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के और वो बाहर ही आउटसाइड ही एंड्रोजन फॉर्म करते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पोनेंट खेल ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू। ये डायग्राम आप देख लीजिए एक बार, जैसे कि आप इसमें वही डायग्राम है लेकिन इसमें थोड़ा वो है। आपको इधर जो कोयल पार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसे अपन कहते हैं ब्लू रंग का कोयल पार्ट टेस्टी, उसे अपन कहते हैं कोयल पार्ट को टेस्टिकुलर लोक्यूल। जो रेड पार्ट में के आगे जो आपको ब्लैक रंग की लाइन दिख रही है उसे अपन कहते हैं मीडिया स्टीनम टेस्टिस। रेड कलर का जो वाइड डिफरेंशिया होते हैं आगे पढ़ेंगे अपन, वो अपने को उसमें अपने को पढ़ना है। और अगेन ये तो अपने जो अपना टॉप पार्ट होता है उसे अपन केपर एपिडिडिमिस मोस्ट कोयल्ड, जो मोस्ट कोयल्ड होता है बीच का पार्ट अपन कहते हैं कॉर्पस एपिडिडिमिस और नीचे का पार्ट जो एकदम लास्ट पार्ट है वो कोडा एपिडिडिमिस मिस लीस्ट कोयल, जो एकदम लीस्ट होता है इसमें कोयल और उसके बाद अपना वाइड डिफरेंस आ जाता है। ये है ट्यूबुलर सिस्टम इनसाइड टेस्टिस, जे पाथ फॉलो करता है टेस्टिस। याद रखना बच्चों इसके पूछा जाता है कि ट्यूबुलाय रेक्टाई के बाद क्या आता है, या पूछ लेंगे स्टेप दे देंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल डेस्क रेक्टी रेटी टेस्टिस डेस्क, इन दोनों के नाम आपको दे देंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबुली रेक्टाई और बी हो जाएगा बाह्य डिफरेंशिया। तो अपन इसका एक बार पढ़ लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनता है ट्यूबुलाय रेक्टाई, ट्यूबुलाय रेक्टाई से रेक्ट रेटी टेस्टिस के बनता है बाह्य डिफरेंशिया। ये चार पॉइंट हैं, बहुत अच्छी तरीके आपको याद करना है। ट्यूबुलाय रेक्टाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गेट स्टेट एट पीसेस ऑफ लोक्यूल अपाइसिस। अपाइसिस वही होते हैं जो उनको डिवाइड करते हैं लोक्यूल टू फॉर्म स्टेट ट्यूब्यूल कॉल्ड ट्यूबुलाय रेक्टाई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गेट स्टेट एट डिवाइड ऑफ लोक्यूल, जो सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल होते हैं वो डिवाइड करते हैं लोक्यूल को फॉर्म स्टेट ट्यूब्यूल, स्टेट ट्यूब्यूल डिवाइड करते हैं उन्हें अपन कहते हैं ट्यूबुलाय रेक्टाई। और नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबुलाय रेक्टाई एंटर मीडिया स्टीनियम टेस्टिस टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल कॉल्ड रेटी टेस्टिस। जो ट्यूबुलाय रेक्टाई है वो एंटर होता है मीडिया स्टीनियम टेस्टिस में और फॉर्म करता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल कॉल्ड रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस फॉर्म होता है 10-15 फाइन सीलिएटेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड वाइस एफ्रेम हिया। जो रेटी टेस्टिस है ना बच्चों, जो जैसे अपन ने पढ़ा रेटी ट्यूब्यूल रेक्टा है इंटरमीडिया स्टीनम टेस्टिस टू फॉर्म आ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हें आप रेटी टेस्टिस कहते हैं। और जो रेटी टेस्टिस ये फॉर्म होते हैं
जो रेटी टेस्टी फॉर्म हो रहे हैं वो होते हैं 10 to 15 फाइन सीलिएटेड ट्यूब्यूल कॉल्ड वाश इफ्रेन किया। इसको अपन वाश इफ्रेन किया कहते हैं, जैसे अपन ने डायग्राम में पढ़ा था। और जो लास्ट पॉइंट है टेस्टी का, वाश इफ्रेन किया इमर्ज आउट फ्रॉम द अपर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टी टू फॉर्म आ हाईली कोइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल एपिडाइडमिक। जो बाह्य इफ्रेन किया है वो इमर्ज आउट होता है अपर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टीज, जो ऊपर का पोस्टीरियर सरफेस है, एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं दो पोर्ट टेस्टीज में भी, वो आपको डायग्राम में समझ आ जाएगा। वो फॉर्म हाईली कोइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिडाइडमिक, वो बहुत ज़्यादा कोइल पार्ट होता है, और जो बहुत ज़्यादा कोइल पार्ट होगा वो एपिडाइडमिक होता है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, आप पढ़ते रहें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिडाइडमिक और वाइड डिफरेंस, इजेक्युलरी डक्ट, यूरेथ्रा और पेनिस। अगली वीडियो में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और स्टार्ट नहीं हो पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके लिए अपने को अलग एक थर्ड वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका लेक्चर नंबर 2 था, और इसके आगे वाला आने वाला लेक्चर नंबर 3 है। उसको हम दो पार्ट में ही बना सकते हैं और एक पार्ट में सिंगल पार्ट में ही बना सकते हैं। और आप इसका जो PDF फॉर्म में मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे हैंड राइटिंग नोट के लिए उधर आप लिख सकते, क्लिक करके PDF अपना डाउनलोड करें और ये नोट आपको उधर प्रोवाइड हो जाएंगे। और मेरा चैनल आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड नीट में आपका सिलेक्शन हो, यही हमारी दुआ है। बस ओके।